गाइस आज के वीडियो में फिर से मैं एक शैम्पू का रिव्यू करने वाली हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि दी नया शैम्पू का रिव्यू आप कब लेके आ रहे हो, दी ये वाला शैम्पू का रिव्यू करो, वो वाला शैम्पू का रिव्यू करो। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे चैनल में शैम्पूज के रिव्यू लाती रहूं, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभार बहुत सारे शैम्पूज का इस्तेमाल करते करते मेरे बाल भी डैमेज हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा रेस्ट भी मैं देना चाहती हूँ। इसीलिए पिछले दिनों मैंने शैम्पूज के रिव्यू कम किए हैं, लेकिन अब फिर से मैं शैम्पूज का एक एक करके रिव्यू कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो शैम्पू इस्तेमाल करने के लिए खरीदा था वो खत्म हो गया है। दैट इज लॉरियल का हाइड्रेशन वाला जो शैम्पू है ना, जो डिहाइड्रेटेड वालों के लिए, आई थिंक दैट्स अ गुड शैम्पू। उसको रिव्यू करने के बाद भी मैंने इस्तेमाल किया और करके देखा है, बाल सच में बहुत अच्छे तरीके से मैनेजेबल और मॉइस्चराइज होते हैं, सो ड्राई वालों के लिए दैट कुड बी अ गुड ऑप्शन। और आज के वीडियो में जिस शैम्पू को मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो है जस्ट हर्ब्स का एक शैम्पू। पिछले दिनों मैंने जस्ट हर्ब्स के बहुत सारे लिपस्टिक का रिव्यू किया है, जो मिनी मैट लिक्विड लिपस्टिक जस्ट हर्ब्स ने लॉन्च किया है, दे आर रियली गुड। बस एक ही प्रॉब्लम है, थोड़े से स्टिकी टाइप के हैं, लेकिन बजट में है और डिफरेंट शेड्स में आपको मिल जाते हैं, उसका शॉर्ट्स भी आपने देखा होगा मेरे चैनल पे। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ जस्ट हर्ब का आंवला नीम शैम्पू, जो इतना छोटा बॉटल मुझे मिला था। आई हैव सीन सो मेनी पीपल टॉक्ड अबाउट दिस शैम्पू और उन्होंने अच्छे अच्छे रिव्यू भी डाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस शैम्पू का एक रिव्यू किया जाए और देखा जाए कि ये कैसा है। अब इसमें आंवला है, नीम है, तो डेफिनेटली ये स्कैल्प इन्फेक्शन के साथ रिलेटेड है, और अगर आपको डैंड्रफ है उसको ट्रीट करने में ये काम करेगा, इसलिए मैंने इसको विंटर के टाइम पे लिया है, ये देखने के लिए कि ये डैंड्रफ के ऊपर काम करता है कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादा डैंड्रफ आपको विजिबल होते हैं विंटर में, पूरे साल तो डैंड्रफ रहते हैं वो विजिबल नहीं होता है, विंटर में स्कैल्प ड्राई हो जाता है ज्यादा, इसीलिए जो डैंड्रफ है वो सफेद सफेद करके मुंह पर आ जाते हैं। तो आज मैं इसी का रिव्यू करने वाली हूँ, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो गाइज। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शाइनी रूप्स, मेरा नाम रूपा है, स्वागत है आप लोगों का यहाँ पे। मैं स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, प्रोडक्ट रिव्यूज के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करती हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब, विच इज एब्सोल्युटली फ्री। और आज फिर से और एक रिव्यू वाला डे है और मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ जस्ट हर्ब्स के एक शैम्पू को, और ये बना है आंवला और नीम एक्सट्रैक्ट से, विच इज बेसिकली गुड फॉर नॉर्मल टू ऑयली हेयर टाइप, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा है कि ये आप नॉर्मल स्कैल्प में भी ट्राई कर सकते हो और जिनके स्कैल्प ऑयली है वो भी इसको ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे आंवला नीम का एक्स्ट्रैक्ट इस्तेमाल किया गया है, तो डेफिनेटली डैंड्रफ वाले बालों के लिए ये अच्छा काम करेगा, ऐसा मेरा मानना है। सो गाइज, मेरे हाथ में है जस्ट हर्ब्स का 8-in-1 आंवला नीम शैम्पू, और इस शैम्पू की खासियत ये है कि इसमें आंवला और नीम के एक्स्ट्रैक्ट है, वेटिवर है, और बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से ये तैयार किया गया है। और इस शैम्पू को आप कलर्ड बालों में इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपने बालों में कलर वगैरह किया है तो उस केस में इसको इस्तेमाल करने के बाद कलर जाएगा नहीं, और ये नॉर्मल टू ऑयली हर बालों के टेक्स्चर के ऊपर अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ पे इसके आपको इंग्रेडिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, कुछ इंग्रेडिएंट्स मुझे समझ में आए हैं ऊपर की तरह लिखा है, लेकिन बाकी इंग्रेडिएंट्स मुझे इतना समझ में नहीं आए क्योंकि काफी छोटे छोटे अक्षरों में लिखे हैं। अदर इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे दिए हैं गाइस, और ये छोटा सा बॉटल है, आप चाहे तो इसके बड़े बॉटल भी मंगवा सकते हो, ऑनलाइन मैंने इसको फ्लिपकार्ट से लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके प्रोस के बारे में बताऊंगी और उसके बाद इसके कॉन्स के बारे में। प्रोस में सबसे पहली प्रो है इसकी प्राइस, प्राइस इज क्वाइट अफोर्डेबल, ऑनलाइन आपको ये छोटे बॉटल में भी मिल जाता है और बड़े बॉटल में भी मिल जाते हैं लगाते टाइम पे। एक चीज मैंने देखा है कि ये बहुत ही कम क्वांटिटी में लगता है, अगर आपने बालों में ऑयलिंग किया हुआ है तो दो बार इसको लगाओगे तो आपके बाल आराम से वॉश हो जाएंगे, ज्यादा आपको इसको लेकर लगाने की जरूरत नहीं है। और इसका जो एक बड़ा बॉटल है वो एक इंसान के लिए आई थिंक 4-5 मंथ्स आराम से चल जाएगा, अगर आप सिर्फ अकेले इस्तेमाल कर रहे हो, और बजट फ्रेंडली भी है। फिलहाल ये आपको ऑनलाइन बहुत सारी जगह पे मिल जाएंगे, ऑफलाइन मिलना आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल है। इसका जो स्मेल है, जो फ्रेग्रेंस है, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल किया गया है, और इसको ये सल्फेट और पैराबिन फ्री है कि नहीं ऐसा यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है। अगर होता है ना तो नॉर्मली बॉटल के एकदम सामने बड़े बड़े अक्षर में लिखे होते हैं, तो मैंने देखा नहीं है, मैं फिर से सर्च करके देखूंगी, अगर सल्फेट पैराबिन फ्री होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको वो दिख जाएगा। विंटर का टाइम है, इस टाइम पे हर किसी के स्कैल्प में डैंड्रफ विजिबल हो ही जाते हैं, मेरे स्कैल्प पे भी हो जाते हैं, पूरे साल तो मुझे दिखते नहीं है, लेकिन सर्दियों के समय स्कैल्प थोड़े से ड्राई हो जाते हैं और स्कैल्प में थोड़े थोड़े डैंड्रफ दिखते हैं, तो उस टाइम पे इसीलिए मैंने इसको लिया था। और अप्लाई करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये डैंड्रफ के ऊपर अच्छे तरीके से ये काम करता है। विंटर में हमारा स्कैल्प ज्यादा ड्राई हो जाता है और उसकी वजह से थोड़े से खारिश हो जाते हैं, स्कैल्प में हमें ईचिंग की टेंडेंसी होती है, उसको लगाने के बाद एक चीज मैंने फील किया है कि वो स्कैल्प में ईचिंग की टेंडेंसी नहीं है, और स्कैल्प में जो मेरे विंटर में दाने हो जाते हैं छोटे छोटे, वो दाने फिलहाल अभी तक नहीं हुए हैं।
तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि ये कलर्ड बालों के लिए भी सुटेबल है, तो यस, कलर्ड बालों में भी मैंने देखा है कि मेरे बाल हल्के हल्के कलर किए हुए हैं फिलहाल, तो कलर्ड बालों में कोई इशू नहीं होगा, आपके कलर जाएंगे नहीं इसको लगाने के बाद। एंड फाइनल और एक प्रो इसकी मुझे ये लगी है, बाल थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं, ये एक चीज मुझे लगी। ये तो गए इसके प्रोस, चलिए इसके कॉन्स में आप लोगों को बता देती हूँ। हर्बल शैम्पू का जो प्रॉब्लम होता है, अगर हम इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं बालों में, तो नरिशमेंट करने के बजाय फिर वो उल्टा हो जाता है। मतलब हर्बल शैम्पू इस्तेमाल करने का बेस्ट जो प्रोसेस है वो ये होता है कि इनका एक बॉटल आप इस्तेमाल कर लो, एक बॉटल इस्तेमाल करने के बाद जब ये खत्म हो जाए उसके बाद फिर वही केमिकल वाले जो शैम्पूज होते हैं नॉर्मली जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, फिर वो जो शैम्पूज हैं उनको हम इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद वो खत्म हो जाए तो उसके बाद फिर से आप हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे क्या होता है ना, एक बैलेंस मेंटेन रहता है। मैंने ये देखा है कि नॉर्मली हर्बल शैम्पू इस्तेमाल करने के बाद मेरे बालों में ये टेंडेंसी आता है कि बाल थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, तो इस केस में भी ऐसा हुआ था। इसका एक बॉटल खत्म करने के बाद आई स्टॉप अप्लाइंग दिस शैम्पू, और उसके बाद मैंने लॉरियल का जो डिहाइड्रेशन वाला जो शैम्पू लिया था मैंने, पर्पल कलर का, उसका नाम मैं भूल जाती हूँ, वो वाला शैम्पू मैंने फिर से इस्तेमाल किया, और उसको इस्तेमाल करने के बाद उसको स्टॉप कर दिया मैंने, 5-6 बार उसे बालों को वॉश किया एंड देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग दिस। तो ये केमिकल और नेचुरल का फिर एक बैलेंस बना रहता है। लेकिन अगर सिर्फ लंबे समय तक हम नेचुरल चीजों को लगाते हैं, हर्बल शैम्पूज को लगाते हैं, ये थोड़े से खारा ज्यादा होता है तो बाल थोड़े से ड्राई आउट हो जाते हैं। एंड जब मैं इसको लगा रही थी मैंने एक चीज देखा कि अगर मैंने बालों में अंडा वगैरह नहीं लगाया या फिर बालों में नरिशमेंट पैक नहीं लगाया और सिर्फ इससे अपने बालों को वॉश किया तो बाल थोड़े से रूखे हो रहे थे। स्कैल्प में कोई इशू नहीं हो रहा था, स्कैल्प वॉज गुड, स्कैल्प वॉज नरिश्ड, स्कैल्प सॉफ्ट था, लेकिन बालों का निचला हिस्सा थोड़ा सा मुझे ड्राई हो दिख रहा था और जब मैं कॉम कर रही थी तो थोड़े से ज्यादा हेयरफॉल हो रहे थे। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज मुझे लगी है। अदरवाइज आई थिंक दिस इज अ गुड शैम्पू इन बजट। जिनको स्कैल्प में बहुत सारी ईचिंग की प्रॉब्लम है, दाने की प्रॉब्लम है, आपको स्कैल्प में एक एक जगह पे फूसी हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, फिर वहां से बाल निकल के आ जाते हैं, उस केस में यू कैन गिव दिस ट्राई। ये आपके रूट को मजबूत करने में काम करता है एंड डैंड्रफ को भी ट्रीट करता है। इसके प्रोडक्ट्स मुझे फिलहाल ठीक ठाक ही लग रहे हैं, शैम्पू भी मुझे ठीक ही लगा और इसका लिपस्टिक भी मुझे ठीक ही लगा। बस ज्यादा लंबे समय तक मैंने इस्तेमाल करके देखा तो एक चीज लगा कि बाल थोड़े से ड्राई हो रहे थे निचला हिस्सा, लेकिन बैलेंस करने के लिए वही फिर आपको मैंने जैसे कहा है उस तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या आप इस शैम्पू को फिर से खरीद के अप्लाई करोगे, यस डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली अप्लाई दिस शैम्पू। अगर मुझे कभी ऐसा लगता है कि मेरे स्कैल्प में डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है या फिर स्कैल्प में ईचिंग वगैरह हो रहा है, देन आई विल डेफिनेटली ट्राई दिस वन अगेन। ये था मेरा आज का वीडियो गाइस, जस्ट हर्ब्स के आमला और नीम शैम्पू के ऊपर। मुझे ये शैम्पू अच्छा लगा, नॉट दैट बैड। इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। और ये वीडियो ना 100% नॉन स्पॉन्सर्ड है, इसको मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा है। फ्लिपकार्ट में दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल, purple.com में शायद आपको ये मिल जाएगा, Amazon में भी अवेलेबल है। मैं इसका लिंक देने की कोशिश करूंगी नीचे, फिर वहां से जाके आप देख सकते हो। चलो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।